बैंक ऑफ इंडिया के आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंजीनियर सहित 3 कर्मचारियों के खिलाफ सदर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है यह मामला। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंजीनियर सहित 3 कर्मचारियों के खिलाफ सदर थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी राहुल सूर्यवंशी, रामेश्वरी, अजनी, सतीश खंगार, संजय नगर शिक्षक कॉलोनी नरसाला और पांड्राबोड़ी निवासी आशीष एम वाड़वे का समावेश है। आरोप है कि तीनों मिलीभगत कर ग्राहकों के खातों से ट्रांजेक्शन कर रकम उड़ा रहे थे। तीनों करीब 20,88,000 की चपत ग्राहकों को अब तक लगा चुके हैं। पोल खुलने पर बैंक प्रबंधक की शिकायत पर तीनों पर ठगी का मामला दर्ज किया गया है। समीर सुरेश घोरमाड़े ते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मध्ये चीफ मैनेजर है। त्यांनी पोलीस स्टेशनला एक तक्रार दिलेली आहे की त्यांच्या बँकेने मेसर्स केअर ऑपरेट कॉर्पोरेशन कंपनी पुणेसोबत बँकेचे हार्डवेअर देखरेख करण्यासाठी करार केलेला होता। त्या अनुषंगाने कंपनीतून माणूस राहुल सूर्यवंशी याची इथे अभियंता म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली होती आणि तो हार्डवेअरचे बँकेचे कामे सांभाळत होता। आणि त्याच बँकेमध्ये सतीश खंगार हा वरिष्ठ प्रबंधक आयटी म्हणून कार्यरत आहे। दिनांक 15/9/2022 त्यांच्या बँकेतील एक कस्टमर आहेत। एक कस्टमर यांनी त्यांच्या बँकेमध्ये जाऊन तक्रार दिली की त्यांचे बँक अकाउंटमध्ये 4,80,000 रुपये परस्पर त्यांना न सांगतानी काढण्यात आलेले आहे। त्या अनुषंगाने बँकेने त्यांची प्राथमिक चौकशी केली असता त्यांना असे आढळून आलेले होते की हे जे कस्टमर आहे त्यांचे अकाउंट हे इनऑपरेटिव होते, परंतु त्याला सतीश खंगार याने यूजर आय डीद्वारे राहुल सूर्यवंशी याच्यासोबत मिळून त्याला ॲक्टिव केलेले आहे आणि ॲक्टिव करून त्याच्यामध्ये 100 रुपये जमा करून चेकबुक इश्यू केलेले आहे आणि त्यातून त्यांनी वेळोवेळी पैसे काढलेले आहेत। त्या अनुषंगाने बँकेने आणखी चौकशी केली असता त्यांच्या असे लक्षात आले की जे अकाउंट येते इनॲक्टिव झालेले आहेत, त्या इनॲक्टिव अकाउंटची यांनी माहिती काढलेली आहे आणि या माहिती काढून त्यांनी ते अकाउंटला ॲक्टिव करून त्यांच्या खोट्या सह्या करून चेकबुक प्राप्त करून अकाउंटमधून त्यांनी वेगवेगळ्या लोकांचे पैसे काढलेले आहेत। बँक मॅनेजर यांच्या तक्रारून आम्ही कलम 420, 465, 467, 468, 471, 120(b)(22) आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ग्राहक ने बैंक अधिकारी से शिकायत की थी उसके खाते से रकम गायब हो रही है। यह सुनकर बैंक अधिकारी सकते में आ गए कि खाते से रकम आखिर कैसे गायब हो रही है। छानबीन में इसका खुलासा किया गया। वरिष्ठ थानेदार विनोद चौधरी के मार्गदर्शन में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। बैंक में सभी कंप्यूटरों के रखरखाव की जिम्मेदारी पुणे के कंपनी को दी गई। कंपनी ने राहुल को बैंक में आईटी इंजीनियर के पद पर नियुक्ति दी। आरोप है कि सतीश खंगार आईटी विभाग का मुख्य प्रबंधक है। फिलहाल इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।